हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस। सो गाइस, हम वीकली एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। सो गाइस, वीकली एनालिसिस में आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने वीकली चार्ट्स का जो यू पैटर्न बना रहा था बैंक निफ्टी, मैंने पहले वाले जो अपना वीकली एनालिसिस था उसमें बताया था कि यू पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दे दिया। अभी थोड़ा चेक करिए, बैंक निफ्टी ने वी पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया इस कैंडल के थ्रू। अब इससे हमें क्या व्यू मिल गया, देखिए बहुत ज्यादा टाइम बिताने के बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी ने हाई बनाया था, इतने ज्यादा वीक्स नीचे क्लोजिंग करके यू पैटर्न बनकर अब जाके इसने इसका ब्रेकआउट दिया, तो अब हमारे पास टारगेट बहुत लंबे निकल के आ जाएंगे। अगर बैंक निफ्टी इसके हाई के नीचे आता है जो कि है 44,155 के नीचे क्लोजिंग देता है वीकली चार्ट्स पे, तो हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट होगा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 44,644 का। ये स्ट्रॉन्ग हमारे लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट है। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो वहां से बैंक निफ्टी 1,200 पॉइंट की गिरावट दिखा सकता है हमको। अदरवाइज बैंक निफ्टी ने अभी ब्रेकआउट दे दिया तो हमारे पास अभी भी 1,000 से 1,200 पॉइंट के पॉजिटिव में टारगेट्स हैं। आगे हमें 45,522 के टारगेट्स दिखा सकता है। अब थोड़ी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये ट्रेंड लाइन बन रही है, बैंक निफ्टी ने ट्रेंड लाइन का हमेशा सपोर्ट लिया है, तो अगर ये गिरता भी है तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक ही गिर सकता है, पर ये गिरावट बहुत ज्यादा हो जाएगी। अदरवाइज बैंक निफ्टी ऊपर ही जाएगा क्योंकि उसने ब्रेकआउट दे दिया। तो देखिए इस लाइन का, इस ट्रेंड लाइन का बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया, ये ट्रायंगल पैटर्न बनाया है, तब से आप देख सकते हैं सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन का हमारे पास आएगा अगर बैंक निफ्टी गिरता है। अदरवाइज बैंक निफ्टी यहाँ से 1,200 से ऊपर बैंक निफ्टी जा सकता है। हमें कभी भी ट्रेड करना है, कभी भी अपना होमवर्क करके आइए। यहाँ पे वीकली चार्ट्स और डेली चार्ट्स हमेशा चेक करते रहना है। 50 मिनट्स चार्ट, अगर आप इंटरडे पे ट्रेड करते हैं तो मेरे लिए बेस्ट काम करता है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। 5 मिनट्स 15 मिनट्स मैं दोनों चेक करता रहता हूँ और बाकी चीजों के कंपोनेंट्स भी चेक करता रहता हूँ। वैसे आप भी चेक करते रहिए बाकी मार्केट में क्या न्यूज चल रही है, चीज का ध्यान रखिए। एक मैं एडवाइस हमेशा देना चाहूंगा, देखिए फोन पे ट्रेडिंग नहीं होती है। आपको बड़े बड़े ट्रेडर्स यहाँ दिखा देते हैं कि फोन में जा रहे हैं, गाने चल रहे हैं और भाई प्रॉफिट दिखा दिया इतना, आप अट्रैक्ट हो गए प्रॉफिट से। ऐसा नहीं होता है। जो ट्रेड बड़ी स्क्रीन पे होता है, जो लैपटॉप पे होता है, वो फोन पे नहीं हो सकता। उतना ज्यादा एफिशिएंट ट्रेड छोटे फोन्स पे नहीं हो सकता। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं हो सकता फोन में, जरूर हो सकता है, पर जो लैपटॉप की बात ही अलग होती है। देखिए आपको बड़ा एक टाइम बड़ा व्यू मिल जाता है, वो कैंडल क्लियर विजिबल होती है। तो कोशिश करिए, देखिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेरे हिसाब से, देखिए मैं किसी और का भी नहीं बोलूंगा, मेरे हिसाब से ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब है। आप इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं या फिर एक साइड बिजनेस के तौर पर लेके चल रहे हैं ट्रेडिंग को, अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल लॉन्ग टाइम फ्रेम पे है वो बात अलग है। अदरवाइज इंट्राडे है तो आप देखिए लॉस ही करके जाओगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बैठा, यहाँ पे लोग खाने के लिए बैठे हैं, यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे खाने के लिए, तो यहाँ पे टिकने नहीं देंगे आपको। आपको एक बार प्रॉफिट हो जाएगा, फिर आपको लालच रहेगा, फिर एटलास्ट आप लॉस में रहोगे। तभी ज्यादातर मार्केट में 90% लोग या 90% से ज्यादा लोग यहाँ पे लॉस में ही रहते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा एनालिसिस करिए, एनालिसिस करके ही ट्रेड लीजिए, अपना स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रिक्ट रखिए, अपना रिस्क मैनेज करके चलिए। पैसा तभी बनेगा अगर जो आपका प्रॉफिट का पैसा बना है आप उसके ऊपर रिस्क लेके चलोगे, तो तभी आपका यहाँ पर पैसा बनेगा, आपको तभी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चलो कुछ तो मैं लेके जाऊंगा आज अपने घर पे। तो गाइस ट्राई कीजिए कि अपना एनालिसिस तगड़ा रखिए, नई नई चीजें सीखते रहिए और कोशिश करिए अगर आप कोई जॉब में हैं और तो ओवर ट्रेडिंग ना करें। कुछ अमाउंट जो आप होने के लिए तैयार है, जिससे आपको प्यार नहीं है, उसी को ट्रेडिंग में लगाएं, अदरवाइज आप ट्रेडिंग में पैसा ना, क्योंकि आप ट्रेडिंग को मल्टीटास्क नहीं कर सकते। आप यहाँ पे कोई और भी काम कर रहे हैं, अपना ऑफिस का ट्रेडिंग भी साथ में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक कैंडल आपको सारा खा जाएगी, ठीक है। देखिए जैसे आज एक कैंडल ने मेरे को स्टॉप लॉस दे दिया, अगर कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाता, काफी लोग स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करते हैं, तो स्टॉप लॉस नहीं लगाते फिर उनका पूरा कैपिटल उठ जाता है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा अंधाधुंध पैसा है तो बात अलग है, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा सेफ होकर चलिए। आपके पैसे की आपको जरूरत है वो आप ही जानते हो, वो दुनिया में कोई नहीं जानता, तो इसलिए आपका कैपिटल संजो के रखना। देखो प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं रहता, पर लॉस हमारे हाथ में जरूर है, कितना हमें लॉस लेना है। तो प्रॉफिट हाथ में नहीं है तो लॉस तो आप अपना कंट्रोल रखो, प्रॉफिट का कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट तो आता रहता है। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।